आपने सुना दोस्तों शेखर जी को, और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर किया आपके बीच में, और आपने काफी सारी एनर्जी उनसे ली होगी। और मैं जानना चाहता हूँ, हमारे बीच में बहुत सारे लीडर हैं जो पैनल में हैं, आपने क्या फील किया? शुरुआत करते हैं ज्योतिका जी से, बड़ोदरा से। ज्योतिका जी वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड वेरी गुड मॉर्निंग ज्योतिका जी। जी मॉर्निंग शेखर भाई। गुड आवाज आ मॉर्निंग रही मैम, है गुड सर? मॉर्निंग। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल शानदार। गुड मॉर्निंग टीएंस फैमिली। सर शेखर भाई का तो क्या बोलना है। शेखर भाई बहुत अच्छा गाइड्स करते हैं, एकदम प्रैक्टिकली होता है। जैसे योगराज सर होते हैं, मुकेश सर होते हैं, ऐसे योगराज सर शेखर भाई का होता है सर। और सर मेरा म्यूजिक बैंड हो गया, मेरी डाउनलाइन में भी आज एक हेमलता बहन करके हैं, उनका भी हो गया। तो रोज एक उम्र एक को मीटिंग करते जी सर, तो बहुत बहुत अच्छा बढ़िया। लगता है। पहले अभी जो पांचाल सर ने बीच में बताया था ना सर, कि क्या होता था पहले कि कोई भी पॉलिसी आती थी, जब तक हमें पता चलता था तब तक तो पॉलिसी पता चला खत्म हो गई। अब आपके थ्रू हमें डे वन से पता चला। और उस दिन शेखर भाई ने, योगराज सर ने इतना डीप में सिग्नल हमारे लिए हैं। अच्छा सॉरी सर, कॉल एक्सट्रीमली अच्छा सॉरी कोई बात नहीं। जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत आगे जानना है, तियान से बहुत कुछ लेना है और हर चीज तियान से ही लेनी है। और आप लोगों को देख देख के हम बहुत मोटिवेट हो रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया मुट्ठी में करनी है, अब कोई किसी को बाकी नहीं रखना है। और आप इतना गाइड कर रहे हैं, अब तो क्यों पीछे पड़े रहेंगे? पीछे नहीं रहना है सर, बस आगे ही जाना है, आगे ही जाना है, अब पीछे नहीं देखना है। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। बेटर टियांस बेटर लाइफ। बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्योतिका जी आपको और पूरी टीम को। अभी तो बहुत सारे बेल्ट मेडल्स सुन क्या क्या आपने अचीव करनी है आपकी टीम ने। बेस्ट विशेष। और आज मैं देख रहा हूँ, कल हमने एक रिक्वेस्ट की थी आप लोगों से कि आप अपनी डीपी बनाएं, डीपी को सुधारें। तो सभी से रिक्वेस्ट करने से अच्छा यह है कि मैं जो हमारे मेन लीडर्स है ना, आपसे रिक्वेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आम आदमी तो आम आदमी होता है, आम आदमी को नहीं समझ आती बातें। तो मैं महसूस करता हूँ कि लोग आम आदमी की तरह ही अभी, और ये अच्छी बात भी है। अगर आप आम आदमी हो तो अगर आपकी ख्वाहिश सीखने की है सीख सकते हो, लेकिन आम आदमी फिर वो आम आदमी भी होते हैं। हमारे बिजनेस में कुछ लोग कंज्यूमर की तरह होते हैं, वो चाहते तो बहुत कुछ है करना, लेकिन उनकी सारी हैबिटें जो है वो कंज्यूमर वाली होती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्टिव लीडर की तरह बिहेव करते हैं। तो आप सभी लीडरों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टीम जो भी यहाँ पे पैनल में आते हैं, वो आपकी इज्जत और आपकी बेइज्जती का सवाल उनके हाथ में ही है, ठीक है ना? तो वो आपकी इज्जत और बेइज्जती कितनी कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए अपने पैनल में कौन कौन आदमी आपका टीम का है, जो विदाउट जो हमने कल रिक्वेस्ट की थी उसको उसने आज फेल कर दिया। तो हम कल फिर देखेंगे, फिर कल बोलेंगे, कल देखते हैं कितने फेल करते हैं। तो ये हर रोज ही रहेगा कि प्यार भरा पैगाम कि थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज। ये तो छोटा सा बदलाव है दोस्तों, प्लान दिखाना, ज्वाइन कराना, फिर उनके साथ काम करना, फिर कुछ हजार रुपए का पैसे आने महीने में, कुछ हजार आएंगे, 2 हजार, 4 हजार, 5 हजार, पूरे महीने में काम किया 10 हजार आया, पूरे महीने में काम किया 5 हजार आया, पूरे महीने में काम किया 20 हजार रुपया आया, महीने 2 महीने 6 महीने साल ऐसे निकलेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा होगा, पिछले महीने का चेक था 1,32,000, अगले महीने पता चला 1.5 लाख का चेक है सर, उसके अगले महीने बोल रहे हैं 2.5 लाख का चेक हो गया सर। वो उन्हीं के साथ होगा जो 5 हजार, 10 हजार, 20 हजार के चेक में स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे और शिद्दत के साथ काम करेंगे, क्योंकि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा है, हम सबको खुद पता होना चाहिए।
हमको सियांसी से पैसा आता है या नहीं आता ये नहीं पूछना है, हम पैसा कमाने के लिए सियांसी में काम करते हैं कि नहीं करते हैं ये पूछना है, क्योंकि ईमानदारी वाली बात यही है जो मैं बता रहा हूँ आपको। और उसका पहला लक्षण, पहली निशानी यही है, इस पैनल में आप लोग कितने कितने आपने हम लोगों से सीखा, इसका एक सिंपल सा पैरामीटर है। छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ देते हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हो। अगर आप छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आप बड़ी बड़ी इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करोगे, और फिर छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन से छोटे छोटे रिजल्ट आएंगे, और फिर बड़ी बड़ी इंस्ट्रक्शन से बड़े बड़े रिजल्ट आएंगे। तो अगली आवाज सुन लेते हैं हम लोग योगराज शर्मा जी से, तो इनके पास भी जिम्मेवारी बहुत सारी है अपनी टीम को सेट करने की, तो आप भी आगे जिम्मेवारी दें सर, और फिर पता भी करें। गुप्ता जी ने कल एक बहुत अच्छी बात बताई थी, सबसे पहले एजुकेशन देना जरूरी है, और एजुकेशन के बाद में एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। आपने बोला ना पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एग्जाम नहीं लिया क्या गारंटी है उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जब एग्जाम लेते हैं ना जब कंफर्म होता है वाकई में पढ़ा, नहीं तो झूठी था प्रोग्राम, झूठी बोल रहे थे पढ़ लिया जी नंबर आगे जीरो। अगर पढ़ा होगा तो नंबर जीरो नहीं होंगे, तो एग्जामिनेशन भी मस्त है। और सर ने राजे बताया था एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, और लास्ट में बोला था एथिक्स। कल बहुत ही शानदार ट्रेनिंग दी थी एसएस गुप्ता जी ने कि जिंदगी में कामयाब होना है एजुकेशन लीजिए, फिर उसको एग्जामिनेशन करो अपने आप से। आपका कोई नहीं है हेडमास्टर, आपका कोई टीचर नहीं है, आपके टीचर आप खुद ही हैं। जिंदगी में कामयाब होना है तो खुद ही टीचर बनना पड़ेगा, खुद ही मास्टर बनना पड़ेगा, खुद ही स्टूडेंट बनना पड़ेगा। और जो आपके रोल मॉडल हैं, हीरो हैं, मेंटर हैं, कोच हैं, ट्रेनर हैं, देखिए रमाकांत आचरेकर के ना सैकड़ों सैकड़ों बच्चे थे क्रिकेट के खिलाड़ी जिनको ट्रेनिंग देते थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर एक ही बना है। तो सचिन तेंदुलकर आप हो, रमाकांत आचरेकर सबको बराबर खिलाते थे बताते थे, लेकिन एक क्यों बना? अर्जुन के जो गुरु थे द्रोणाचार्य उनके बहुत शिष्य थे, एक से कलाकार थे, लेकिन अर्जुन एक ही था। तो क्यों? क्योंकि उस अर्जुन ने अर्जुन वाले काम किए। तो सेम चीज़ें, हमारा टीचर और हमारा स्टूडेंट हमें ही बनना है। हमारी खुद के एग्जामिनेशन लीजिए, जो बात बोली थी कल सर ने लिखिए ना, सर ने ये कहा था, योगराज जी ने ये कहा था, शेखर जी ने ये कहा था, एस एस गुप्ता जी ने ये कहा था, वासुदेव जी ने ये कहा था, मुकेश शर्मा जी ने ये कहा था। जब ये बातें आप लिखेंगे प्रैक्टिकली और फॉलो करेंगे, यकीन करना बहुत मजबूत बन जाएंगे आप, बहुत मजबूत, बहुत पावरफुल। आपको कोई टच करेगा ना करंट लगेगा, करंट बता रहा हूँ मैं आपको, लोगों को करंट लगता है जब बात सुनते हैं ना थोड़ी देर, उसके बाद वो दीवानगी में आ जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। क्यों होते हैं? वो हर चीज समझते हैं, देखते हैं लोग, दुनिया खाना खाती है, रोटी खाती है, घास थोड़ी खा रहे हैं, है ना, सब जानती है दुनिया, बहुत श्यानी है दुनिया। तो दुनिया श्यानी है, उनके सामने हमें भी श्याना तो बनना पड़ेगा। जैसे शेखर जी ने बोला, इस आदमी से मिलते ही पता लग जाता है यार ये आदमी तो सीधे मुंह से बात ही नहीं कर रहा है, है ना, कोई इज्जत नहीं है, कोई ह्यूमैनिटी नहीं है इस बंदे में। उस आदमी के साथ क्या काम करोगे आप? उसके साथ तो गलती से मिल गए हो, गलती से बिछुड़ जाओ। ठीक है जी, कोशिश करोगे आप अपने बारे में बताने की, आईना दिखाओगे। हाँ कई बार ऐसा होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं कई लोगों से मिलता हूँ, पहले तो वो ना पानी पूछते हैं ना चाय पूछते हैं, राइट, और बाद में वो खाना खाए बिना नहीं भेजते हैं। क्यों? शुरू में उनको लगता है ऐसे अरे गरे नच्चू करे बहुत आते हैं यार, छोड़ो ना ये भी ऐसी होगा कोई, है ना। उसके बाद क्या होता है, जब उनको बात करते हैं हम तो समझने की कोशिश करते हैं ना, तो सामने वाला भी हमें समझने की कोशिश करता है। तो दोस्तों इसके बारे में क्या कहते हैं योगदास जी की आवाज सुनते हैं, हमारे सिल्वर लाइन साहब। वेलकम सर, वेलकम, गोइंग टू बी गोल्डन लाइन, राइट सर? थैंक यू वेरी मच जी सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर। सबसे पहले तो शेखर का जो सेशन था सुपर, और शेखर को हमने ग्रूम करते हुए देखा है कि जिस तरह से उन्होंने पिछले 4-5 साल में अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया है, और आज जो शेखर की बातें हैं, आज जो शेखर मतलब जो टाइमिंग रहती है ना बातों की, मेन चीज क्या है कि नॉलेज हम कलेक्ट कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं से, बट हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और मैं सभी को एक बात बताना चाहूंगा कि हम बहुत सारी नॉलेज गेन करते हैं, और कई लोग तो सर इतने ज्यादा नॉलेज लेने के फिराक में होते कि यहाँ वहां वहां पता नहीं कहाँ कहाँ, कहते द्रोणाचार्य जी से नहीं हम तो पता नहीं उनसे भी लेंगे, जैसे होते ना शुक्राचार्य जी से भी लेंगे जाके, जो है तो बोलते हर गुरु से शिक्षा लेनी है।
तो मैं सभी को बताना चाहूंगा कि गुरु एक ही काफी है, शिक्षा को लेने के बाद हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मेजर जो रोल है वो है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस जो है हमें परफेक्ट करती है, और प्रैक्टिस हमें जो है सही टाइम पर डिसीजन लेने के लिए जो है प्रिपेयर करती है। अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा उस चीज को जो आपको बताया जा रहा है, तो आप उस सही टाइम पर डिसीजन ले पाएंगे। आपको किस टाइम कौन सी बात बोलनी है, किस टाइम आपको कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर स्ट्रेस करना है, या जब आप किसी क्लाइंट के साथ, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप बैठे हैं, वहां पे आपको कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर स्ट्रेस करके कौन सी बात करने से आपका काम बनेगा, या आपकी बात से वो इंटरेक्ट होंगे। आप देखिए, आप कन्विंस नहीं कर सकते। और मैंने एक चीज को ऑब्जर्व किया है कि मैंने लाइफ में कभी किसी को कन्विंस नहीं किया, ना मैं करता हूं और ना मैं किसी को कन्विंस करने का सजेशन देता हूं। हम ये, मैं, मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है पर्सनली, कि आपको अपने आप को कन्विंस करना है किसी चीज के लिए। आपको जो भी चाहिए आप उसके लिए खुद को कन्विंस करें। आपको इस महीने ए स्टार बनना है, आप उस चीज के लिए कन्विंस करें। आपको इस महीने 40,000 रुपए की सेल करनी है, तो आप उसके लिए आपको कन्विंस करें। और जब आपने खुद को कन्विंस कर लिया, खुद को आपने उस चीज के लिए जो रेडी कर लिया, देन आपको अपना बेस्ट देना है। आपने अपने आप को हर तरह से जो है इम्प्रूव करना है। जब आप किसी के पास जाएं तो आप वहां पे फीके ना पड़े, आपके वहां पे जो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो आप अपने आप को बेस्ट कीजिए, ताकि जब आप किसी के पास जाएं तो हम अपना बेस्ट दें। तो हमने उनको कन्वे करना है। और जब आप उसको सही समय पर, सही टाइमिंग के साथ, अगर आप जो आपके कंटेंट्स अगर अच्छे होंगे, अगर आपने जो है उसको सही अकॉर्डिंग योर सिचुएशन, अगर आपने उसको अपने जो आपके पास वहां पे सिचुएशन बनी पड़ी है, अगर आपने उसके हिसाब से उनको प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के बारे में, या जैसे अभी शेखर जी ने कहा कि जब मैं कल बैठा था, उन्होंने जो क्वेश्चन किया, मैंने प्लान वाइंड अप कर लिया, उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप ये कर सकते हैं, उन्होंने उसके लिए नो कर दिया। तो आपको कई बार रिजेक्ट भी करना होगा। कई बार आपको हो सकता है कि आपको पूरा पीपीटी ना बता के जो है आपको सिर्फ किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर उसको हाईलाइट करना है, ताकि जो सामने वाला है वो आपसे इंटरेक्ट हो, यानी कि आपका और उनका जो इंटरेक्शन है वो बहुत जरूरी है, यानी कि मेल मिला। अगर आपने इसको बेहतर कर लिया, और अगर आपने सही टाइम पे अपने कंटेंट्स को यूज करना सीख लिया जो आपने सीखा है, तो यकीन मानना आप जहां पर भी जाएंगे वहीं से आपके पास रिजल्ट आएंगे। और ये उन सभी लोगों के पास बहुत शानदार रिजल्ट आ रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे लीडर्स को देख रहा हूं जिन्होंने सितंबर मंथ में 5,000 रुपए कमाए थे, अक्टूबर में 10,000 रुपए कमाए, नवंबर में आके 15,000 रुपए कमाए, और दिसंबर में पता चला है कि पहले हफ्ते में ही ना 25,000 रुपए कमा लिए, अगले 4 हफ्ते में वो 1,00,000 रुपए कमाने वाले हैं। ये कौन लोग हैं, कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन आपके हमारी तरह जो ग्रोथ ले रहे हैं? ये वो सभी लोग हैं जो डेली पैनल पे आते हैं, और पैनल पे आने के बाद अगले दिन उन बातों के ऊपर अमल करते हैं, और जो उन्होंने सीखा होता है उसको प्रैक्टिकली फील्ड में जाके वो प्रैक्टिस करते हैं। मिस्टेक्स होती हैं, बट वो मिस्टेक्स उनको परफेक्ट करती जा रही है। जब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको ये पता चल रहा है कि मुझे कहाँ पे कौन सा कंटेंट यूज करना है। और आपने अकॉर्डिंग योर टाइमिंग आप अपना बेस्ट देते हैं, और आपका जो काम है वो बेस्ट होता जा रहा है। तो आई होप कि आप और हम सभी लोग सीखने के बाद उसको अप्लाई करेंगे, सीखेंगे। जैसे सर कह रहे हैं काफी दिनों से, आपको अपना डीपी लगाना चाहिए, आपको जो है जब शेयरिंग स्टार्ट होती है एटलीस्ट आप उस समय जो है इस आधा घंटा एक घंटा आप जो है वीडियो पे आ जाए। बट मैं जो 6 स्टार 7 स्टार है उनकी तो बात अलग है। पैनल में बहुत सारे लोग 8 स्टार है, इस समय 7 स्टार है, दे आर डूइंग वेरी वेल। बट वो खुद ही जब आप लोग आपको वीडियो कॉल को जो है फेस करने में दिक्कत हो रही है, अगर आपका अपना ही डीपी नहीं लगा, तो हम अदर जो हमारे जो अभी न्यू प्रोस्पेक्ट है, जो आपके साथ न्यू पर्सन एसोसिएट हुए, जो हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स है, उनको क्या मैसेज आता है? तो आई होप यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अगले 2 से 4 दिन के अंदर जो है हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, और अगर 70-80% लोग अगर यहाँ पे वीडियो कॉलिंग पे आ रहे हैं, या उन्होंने अपना डीपी उस पे लगा दिया, यकीन मान और शेयरिंग पे, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप रिक्वेस्ट समझे या फिर आप ये समझ लीजिए कि हमें ये करना है। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो हमें करना है, नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो ये करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, और उनकी जो ग्रोथ है अगले 6 महीने के अंदर, यकीन मानना आप देखते रह जाएंगे, आप हाथ मलते रह जाएंगे, और पता चला कि आज आया हुआ
जो नया बिजनेस पार्टनर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, पता चला आपसे आगे निकल गया। तो जैसे अभी सर ने कहा कि अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने वही किया जो उनको बताया गया, उन्होंने अपने फोकस को और जो उनको आदेश किया गया, जो उनको बताया गया, उन्होंने उसकी अवहेलना नहीं की और उन्होंने अपने फोकस को इंक्रीज किया, अपने टाइमिंग को बेटर किया। तो आई होप हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे और हम अपना बेस्ट देंगे। तो ये बेस्ट करने का पहला तरीका ये भी है कि क्या हम सबमिशन में हैं, तो हमने सबमिशन में रहना है, यूनिटी में रहना है और बाकी काम तो अपने आप होते चले जाएंगे। जब यूनिटी में होंगे ना तो चमक तो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि जहां पे बोलते हैं ना खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, अरे जब खरबूजों के बीच रहेंगे जब तो रंग बदलेंगे, जब दूर अलग थलग रहेंगे तो कहां से रंग बदलेंगे। तो इसलिए यूनिटी में रहना है, बाकी सब कुछ अपने आप आ जाएगा, रंगत अपने आप आ जाएगी। तो रंगत जो है ना संगत में है। तो माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, और जैसा अभी सभी कह रहे हैं गोल्ड लाइन गोल्ड लाइन गोल्ड लाइन, और कभी भी खुशखबरी मिल सकती है गोल्ड लाइन की, मे बी दिस मंथ और आइदर नेक्स्ट मंथ, कभी भी जो है ना हिंदुस्तान में दिवाली जो है फिर से सेलिब्रेट हो सकती है और जबरदस्त। बी रेडी एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। ये जो पॉलिसी चल रही है इसको, इसका बेनिफिट उठाएं और अपने रैंक को चेंज करें। गो गोल्डन लाइन, आई लव चांस, बेटर चांस बेटर लाइफ। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही शानदार योगराज सर, आप तो बल्ले बल्ले, आपकी स्पीच, आपकी फीलिंग्स, बिकॉज आप सभी लोग फील्ड में जमकर पसीना बहा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, एक्साइटमेंट भी है, जोश भी है। और मैंने ये बोला आपको, आपने देखा होगा पिछले 6 महीने में बहुत लोग इस पैनल के माध्यम से आए हैं और बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, और ये एक निशानी है कि अगर आदमी मेहनत करता है चाहे वो लेट आए बाद में आए, लेकिन वो आगे निकल जाता है। तो अगली जो आवाज़ है वो हिमाचल से है एक बार दोबारा, और बहुत ही डायनामिक लीडर जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वनिता राज, गोइंग टू बी स्टार। उम्मीद है इसी महीने में धमाका होने वाला है फास्टेस्ट 1 स्टार का। वेलकम वनिता जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, और आपके माध्यम से एक बात और बोलना चाहूंगा, इस पैनल में शेयरिंग ओनली एंड ओनली इन फ्यूचर एट एनी कॉस्ट सिर्फ उन्हीं लोगों की होगी जो वीडियो पे होंगे। तो फिर कल को कोई शिकायत ना करे, हमको नहीं बुलाया जाता है, बिल्कुल नहीं बुलाया जाएगा। आपको पैनल में आना है, आए, नहीं आना है मत आएं, जैसा मन करे वैसा करें, राइट। थोड़ा सा प्यारी सी घुट्टी डाबर की च्यवनप्राश की, है ना जी। वनिता जी वेलकम। जी सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल, थैंक यू सो मच सर। और बहुत अच्छा लग रहा है सर, और आज भी मेरी टीम से गीतिका जी है, उनको वेस्ट बैंड जो बेल्ट है वो क्वालिफाई करवाई है सर हमने, और बहुत ही बढ़िया सर। और मतलब डेली जैसे मैंने आपसे पहले ही दिन कहा था कि जितने भी मेरी डाउनलाइन में जितने भी लोग हैं, मैं सभी को यहाँ से कोई ना कोई ऑफर दिला के ही रहूंगी। ये मेरा सबसे टीम के लोगों से भी मेरा प्रॉमिस है और खुद से भी सर। तो अमेजिंग सर, और जैसे कि योगराज सर ने कहा कि सिस्टम को फॉलो करें और जो बताया जाता है अगर आप उस पर फोकस करते हैं, उसी तरह से जो बताते हैं अपलाइनर्स उनको उस पर कम काम करते हैं, स्टार्ट करना शुरू कर देंगे तो ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे कोई लेट आया है, चाहे कोई बहुत पहले आया है, अगर कोई लेट भी आया है ना, अगर वो सिस्टम को फॉलो कर रहा है, अपने अपलाइन अपने सीनियर जो हमें बता रहे हैं उसको फॉलो कर रहा है, तो उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। जैसे कि सर मैं खुद की बात कहती हूँ कि मैं सिस्टम को जो आप बताते हैं वो सब चीजें मैं सुनती हूँ, देन उसको फॉलो करती हूँ, और जो योगराज सर बताते हैं कैसे करना है बस वो कर रहे हैं सर, बाकी तो करवाने वाले तो परमात्मा है, और बस मेहनत हमने करनी है और साथ वो देते हैं। अगर हम चाहें तो जैसे हम मेहनत करेंगे तो हमारी मेहनत तभी कामयाबी लाती है, रंग लाती है, जब हम उस पे करना शुरू करते हैं। तो सर बाकी टीम में पैनल में टीम के सभी लोग हैं, जैसे सर ने कहा कि प्लीज रिक्वेस्ट है सब लोग वीडियो के साथ आए, आप अपना काम थोड़ा
पहले कर ले थोड़ा सा जो लेडीज को रहता है किचन का काम, बाकी उसके बाद हम 2 घंटा 1.5 घंटा अगर हम अपने काम को भी देंगे, ये भी हमारा काम सबसे मेन है सर, जिसपे हमने डिसीजन लिया है कि हमने लाइफ को चेंज करना है, तो मैं चाहती हूँ इसको भी हमें इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितनी कि हम अपनी फैमिली को भी देते हैं, क्योंकि सर यहाँ से भी 1-2 साल में हमने खुद की लाइफ को चेंज करना है ना, तो चेंज तभी कर सकते हैं जब हम इसको इस पे अपना फोकस करेंगे, टाइम देंगे, इसको इतना इंपॉर्टेंट समझेंगे जिस तरह से हम अपने घर के फैमिली मेंबर को समझते हैं। नहीं नहीं, आपको बताता हूँ मैं, आम आदमियों में और खास आदमियों में एक ही फर्क है, ध्यान रखना, ऑर्डिनरी में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में छोटा सा फर्क है। पॉजिटिव में, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड में एक ही फर्क है बस, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, ऑर्डिनरी की जगह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्यों होता है? बिकॉज छोटा सा फर्क ही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देता है। ऐसा नहीं है कि बड़ा परिवर्तन, इतना कि हजारों मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है, होनहार वीरवान के बहुत चिकने पास। कहा गया है ना कि जिनका लक्षण होते हैं ना कि जिन्हें कुछ करना है वो हर जगह दिखा देते हैं। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जिनके पास टेक्निकली पता नहीं है कैसे इसमें आना होता है, हमको वीडियो, हमारी वीडियो तो चलो सबको पता ही है, तो मैं वीडियो के लिए भी आगे नहीं बोलता हूँ कि चलो जो जूनियर लोग हैं उनको वीडियो में आने में कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल है या नहीं है, नो प्रॉब्लम, सिग्नल की प्रॉब्लम है, बट या आप कुछ भी काम कर रहे हैं, किचन का काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, उसका फायदा क्या है आपको कि आप अपनी फोटो लगा के रखेंगे तो आपकी प्रेजेंस दिखाई दे रही है। इसका मतलब हमें भी तसल्ली है कि कौन कौन हमारा स्टूडेंट ऐसा है जो हमारे साथ सिंसियरिटी के साथ काम कर रहा है। यकीन करना, कल को लोग देखते हैं कि यार मेरे को प्यार इतना नहीं मिल रहा है ना, बोलते हैं लोग मेरा अपलाइन है मुझे नहीं ध्यान देता है जी। अरे भाई साहब, आपने अपलाइन के साथ कितना ध्यान दिया? जब आपको अपलाइन बोलता था है ना, तो अपलाइन को तो बहुत मिल जाएंगे, मैं नहीं करता मेरे अपलाइन को कोई और मिल जाता, मैंने किया तो मेरा हो गया। कुछ लोगों को ये लगता है मैं नहीं करूंगा ना तो मेरे अपलाइन का क्या होगा। अरे भूल जाओ, आपके अपलाइन के लिए बी प्लान भी तैयार है, आप नहीं करोगे ना कोई और कर जाएगा, और देखते रहना। मेरे साथ बहुत हुआ ऐसा, मेरे को साहब ने तो बड़े नखरे किए लोगों ने, हम तो गरीब थे ना, गरीब के गरीब लोगों के सामने बड़े नखरे होते हैं बताऊँ आपको, तो आपके साथ भी होंगे ये चैलेंज दिक्कत आएगी। बट ये है कि आप सिंसियरिटी दिखाइए अपनी, सिंसियरिटी, क्योंकि कामयाबी के लिए पहला पॉइंट है सिंसियरिटी, सिंसियर इन बिहेवियर, सिंसियर इन योर एक्शन, और डेफिनेटली यू विल गेट सिंसियर रिजल्ट। जी जी जी, बताएं वनिता जी, आपके एक्टिविटीज बहुत अच्छे हो रहे हैं, आप टीम में काम कर रहे हैं और जिस तरीके से आपने दावा भी किया था उसको पूरा कर रही हैं कि मैं अकेले गिफ्ट नहीं लूंगी, मुझे हर शख्स को गिफ्ट दिलवाना है जो मेरे साथ सिंसियरली काम कर रहा है। जी सर, बिल्कुल सर। और सर, जैसे कि आपने कहा कि बहुत जल्दी मैं 8 स्टार, तो सर मेरी पूरी कोशिश है और उसके लिए सर मैं थैंक्स करना चाहूंगी आपका दिल से, और योगराज सर का, तनु मैम का, मेरी पूरी टीम का सर, ऑलवेज थैंक्स। मैं सभी का ही थैंक्स करती हूँ, जो लोग मेरे साथ स्टार्ट में प्लग हुए थे उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं, किसी ने मुझे 6 बनाया, किसी ने मुझे 7 बनाया, कोई ना कोई मुझे 8 बनाएगा, ऑलवेज थैंक्स सर, दिल से मैं थैंक्स करती हूँ कि नहीं वो भी मेरे बहुत काम का था, वो मेरे साथ खड़ा था उस टाइम। अभी भी सर टीम के सभी लोग, सभी का ही थैंक्स, ऑलवेज थैंक्स रहता है, रिस्पेक्ट करती हूँ, और टीम को भी यही बताती हूँ कि थैंक्स करें, अपलाइनर का एक्सक्यूज देना बंद करें। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो हम अपने लिए कर रहे हैं, ये ना सोचिए मेरे काम करने से किसको क्या प्रॉफिट है, आप ये देखें मुझे कितना प्रॉफिट है और मेरी कितनी जल्दी ग्रोथ है, कितने जल्दी मेरा रैंक चेंज हो रहा है। और आप किसी को एक्सक्यूज देंगे तो उसमें क्या है, आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ रुक जाती है। तो ये सब चीजें सीखी सर आईटीनेट सिस्टम से ही, जो मीटिंग से डेली जो आप बताते हैं। और सर अगर मैं बहुत जल्दी 8 स्टार की तैयारी में हूँ तो ये सब पॉसिबल हुआ है सर, आप जो डेली हमें जो इस तरह से सर गाइड करते हैं ना सर, थैंक यू सो मच सर। मुझे नहीं लगता था कि इतना जल्दी मेरा 8 स्टार क्वालिफाई होता अगर जूम मीटिंग नहीं होती डेली सर, इसके लिए रियली थैंक्स, और थैंक्स टू गॉड, मिस्टर ली जिनयोन, ऑलवेज थैंक्स सर। और मैं बहुत अच्छा करूंगी सर, मैं, मेरा ये फोकस है साल के अंदर अंदर मुझे यहाँ से सब कुछ चाहिए जो मैंने कभी, मैंने ड्रीम्स देखती थी, अभी भी देखती हूँ। मैं कभी ये नहीं कहती कि मुझे कितना पे आउट आया है, मेरा सबसे पहले से मेरा ये टारगेट था कि जब तक मैं यहाँ से रॉयल्टी पे ना जाऊं तब तक मैं ये नोट नहीं करूंगी कि कितना पे आउट आया है, कितना आएगा, क्योंकि मुझे एक चीज समझ आ गई थी कि युवराज सर ने कहा था कि रॉयल्टी है, आप यहाँ पे काम करते हो, रॉयल्टी कुछ एक लोगों को मिलती है,
कि अगर कोई जॉब भी करता है कोई इंसान, तो देखिए वो रिटायर जब रिटायरमेंट लेता है तो उसको हाफ पेंशन मिलती है, बट आप देखो 2-3 साल की मेहनत के बाद यहाँ पे रॉयल्टी पे जाते हो कि आप लाखों की इनकम ले सकते हैं। तो सर वो माइंड में, वो बात मेरे माइंड में बहुत चलती थी डेली, मैं सोचती थी रॉयल्टी रॉयल्टी कैसे अचीव करनी है। अब सर रॉयल्टी के भी बहुत नजदीक, अभी तो 8 स्टार क्वालिफाई करती हूँ, उसके बाद मैं रॉयल्टी अचीव करूंगी, तब तक मैं दम नहीं लूंगी और तब तक मैं दिन रात एक करूंगी, ये मैंने खुद से प्रॉमिस किया है। और थैंक यू सो मच सर डेली गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए और मेरी टीम को भी गाइड करने के लिए। सर थैंक यू योगराज सर, थैंक यू पाल सर और थैंक यू तनु मैम और थैंक यू मेरी पूरी टीम का, थैंक्स, थैंक यू सो मच सर। बेटर त्यांस, बेटर लाइफ, आई लव त्यांस, थैंक यू सर। सुपर सुपर, एक ही चीज कहना चाहूंगा आपको इस पैनल के माध्यम से, पिछले लगभग मार्च के बाद अप्रैल में हमने शुरू किया था, अप्रैल से लेकर अभी तक दिसंबर शुरू हो गया है, इन महीनों में हमारा प्रोग्राम सबके लिए था। आपके पास लगभग बहुत कम बिजनेस था, ना के बराबर बिजनेस था आपके पास, कोई ज़्यादा टीम नहीं थी, कोई काम नहीं कर रहा था, आप भी फिर इतने ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे, बट आप पैनल में आते रहे, आप पैनल की बातों को आपने पॉजिटिवली सुनते रहे, समझते रहे, फॉलो करते रहे और उसका असर ये हुआ, ना सिर्फ आपने ग्रो किया, आपकी टीम ने ग्रो किया, एक नया माइंडसेट पैदा हो गया, एक नई वनिता राज बन गई, ठीक है ना, आपके अंदर वो जो निखार आया है वो वजह ये की है कि आपने अपने अपलाइंस की सबमिशन में रहे, आपने अपलाइन के साथ में कोई बहसबाजी नहीं की होगी, आपने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किए होंगे, आपने उनके प्रति अपना विश्वास दिखाया होगा, आपने सबमिशन दिखाया होगा और इसका रिजल्ट आपके सामने है। और यकीन करना, जब आप अपनी अपलाइन के साथ कोई बहसबाजी करते हो, अपनी डाउनलाइन के साथ बहसबाजी करते हो, तो समझ लो आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक मीटर निशान छोड़ जाती हैं, आपकी जो बिहेवियर है वो निशान छोड़ जाता है, क्योंकि मैंने कहा ना अपलाइन के लिए बहुत ऑप्शन है, आप नहीं तो कोई और, वो नहीं तो कोई और, जिसने करना है वो किसी पे डिपेंड नहीं है। मैं बताऊं आपको, यही सोच आपकी भी होनी चाहिए, आपको करना है तो आप भी किसी पे एक पे डिपेंड नहीं है, आप ही नीचे ए काम करेगा कि नहीं, बी करेगा कि नहीं, सी करेगा कि नहीं, आप करते चले जाओ, आपको अपने से भी अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। आज मुझे 17 साल हो गए, आज हमारी टीम में आज लाखों लोग हैं, उसमें हजारों लोग ऐसे हैं जो मेरे से कई गुना अच्छे हैं, उनको मेरे से ज़्यादा अच्छा बोलना आता है, अच्छा काम करना आता है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, अच्छा दिमाग रखते हैं, इंटेलिजेंट हैं, बहुत क्वालिफाइड भी हैं, समझदार भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें क्या हुई जिनको मैं जानता भी नहीं था, वो आज हमारे साथ में हैं। तो दोस्तों, तो इसीलिए इसके पीछे बोलते हैं अनसीन पावर, भगवान किसी ने नहीं देखा, वो 16 सोमवार के व्रत रखते हैं ना, हम क्यों रखते हैं, है ना, 16 सोमवार के व्रत रखेंगे हम, ये हो जाएगा तो हम वहाँ जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, बोलते हैं ना, या हम डेली पूजा पाठ करते हैं, क्या सोचते हैं, हे ईश्वर हमें शक्ति देना, हमें ताकत देना, हमें मजबूत करना, हमें कमजोर मत करना, है ना, हम आशीर्वाद चाहिए भगवान का, बोलते हैं ना, क्या है, व्हाट इज दिस। अल्टीमेटली ये आप ही हो, सब कुछ आप हो, जब आप मानते हो ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इसका मतलब सारा चमत्कार मन के अंदर है। मन नहीं समझ आ रही, लोग बोलते मेरे को दुख हो रहा है, क्यों, क्योंकि सोच दुख वाली बातें रहो ना, उसी टाइम में आप खुशी वाली बातें सोचो, एकदम डांस करना शुरू कर दोगे आप, भाई क्या हुआ, अभी तो दुखी थे आप 2 सेकंड पहले, 1 सेकंड में क्या चमत्कार हुआ, तो आप ही नहीं किया, आप सोच बदलोगे, इतना सोच बदलेंगे तो सितारे बदलेंगे, नजर बदलेंगे तो नजारे बदलेंगे, जिधर नजर डालो ना वही नजर आता है, समुद्र की तरफ नजर डालो तो समुद्र नजर आएगा, पहाड़ों की नजर डालो तो पहाड़ नजर आएंगे, और हरियाली की तरफ देखोगे तो हरियाली नजर आएगी, और रेगिस्तान की तरफ देखोगे तो रेगिस्तान नजर आएगा, जो नजर रखोगे वही नजर आएगा, निगाह बदलोगे तो नजारे बदलेंगे, सोच बदलेंगे तो सितारे बदलेंगे। इसलिए बोला गया है दोस्तों, सोच को बदलो, छोटी सोच पैर की मोच आदमी को आगे बढ़ने नहीं देती है। और उम्मीद करता हूँ कल डीपियाँ बढ़ेंगी, कल कुछ वीडियो चेहरों में आएंगे, और किसी को अगर जिद है
युवराज जी कहते हैं अरे उनको जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है तूफानों में आशिया बनाने की, तो टेंशन नहीं है, मजा आ रहा है। बेटर चांस बेटर वर्ल्ड कल शाम को 6:50 पर फिर दोबारा इसी प्रोग्राम में होंगे, नई विचारों के साथ, नई बातों के साथ, नई अचीवमेंट, नई न्यूज के साथ। कौन कौन सी नई नई न्यूज आती रहती है, कुछ ना कुछ नया नया धमाका होता रहता है, और जो परफॉर्मिंग लोग है वो अपने आप को आगे लाएं ताकि आप अपनी टीम के लिए एक रोल मॉडल बने, अपनी टीम के लिए एक मिसाल बने, और अपनी टीम के लिए एक कहते ना कि मार्गदर्शक बने, और आपको देख के आपकी टीम आगे बढ़ती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो ये पैनल है, इस पैनल में एक छोटी सी मुट्ठी भर लोग आते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं आज हमारे साथ में जो इंडिपेंडेंट हैं, वो अपने लेवल पर अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो मेरी बीबी भी मुझे समझाती है, सबकी बीबियां समझाती है, तो मेरी बीबी भी समझाती है, वो बोलते काय को टेंशन लेते हो, आपको तो पैसे आ ही रहे हैं, कोई आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो ठीक है, लोग काम तो कर ही रहे ना, आप काय को टेंशन लेते हो। तो मैं बोलता हूँ ये ज्ञान तो मैं बांटता हूँ, ये ज्ञान मुझे दे रहे हो, मतलब टेंशन तो हम भी नहीं लेते हैं, हम तो अपनी ड्यूटी बजा रहे। रात को चौकीदार होता ना, उसको नहीं पता जागे हुए कि सोए हुए, वो बोलता चौकीदार जागते रहो जागते रहो जागते रहो, बोलता है ना, क्योंकि उसकी ड्यूटी है। तो ये छोटे मोटे काम ही आते थे हमारे को जगाने के, अभी भी जारी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी जागेंगे और जगाएंगे, और आने वाले टाइम में मिलकर बल्ले बल्ले करेंगे। तो कल शाम को ठीक 6:30 मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपना परिवार का खूब सारा ध्यान रखिएगा, और मेरी बेस्ट विशेस हर रोज की तरह आज भी, यू आर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ सियांस बिजनेस, गो गोल्डन लाइन, पहले फोकस करो गोल्डन लाइन पे, गो गोल्डन लाइन दीवारों पर लिख दो, लैपटॉप पे लिख दो, मोबाइल में लिख दो, डायरी में लिख दो, जिधर नजर आए हर जगह पे गोल्डन लाइन लिख दो, लिख दो, बता रहा हूं मैं आपको, गोल्डन लाइन। अपने घर की दीवार पोत दो, लिख दो क्रांति, गोल्डन लाइन, गोल्डन लाइन पे विजुलाइज कीजिए, गोल्डन लाइन पे फोकस कीजिए, लाइफ इज गोइंग टू रॉक, क्योंकि आने वाला एक साल 2021 में बहुत कुछ होने वाला है विद विजुलाइजेशन विद एक्शन। तो यू आर अ डायमंड, यू आर अ चैंपियन, यू आर अ विनर, यू आर अ हीरो, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, कल शाम को मिलते हैं विद टीम।